जी नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पे और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि बहुत दूर दराज से इस ठंड के मौसम में आए हुए हैं और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने, तो किस लेवल का क्वेश्चन है और कैसा है मैं इन लोगों से बात करूँगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महफूज आलम हुआ। कहाँ से हैं सर आप? सर मेरा घर बरियारपुर गंज गौरिहार हो गया। ओ गंज गौरिहार हो गया जी, वहाँ से। अच्छा, प्रथम शिफ्ट में कैसा था एग्ज़ाम का लेवल? बहुत अच्छा था। EVS से कहाँ से क्वेश्चन था? EVS में जो क्वेश्चन जो था, लेकिन प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने की वजह से थोड़ा सा हम लोगों के अंदर मायूसी छाया हुआ था। अच्छा, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड था EVS में। बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो CDP बहुत अच्छा लेवल था। CDP में और हिंदी का पैराग्राफ हो या उर्दू का पैराग्राफ हो, ये सारा अच्छा मिला। लेकिन उर्दू में एक कठिनाई आ रही थी कि उर्दू का जब हम सिस्टम पे देख रहे थे तो एक धुंधलापन सिस्टम में जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, जिसमें पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। और ये मेरे साथ नहीं, जब हम सेंटर से बाहर निकले तो सारे बच्चों ने इस तरह का कंप्लेन किया कि अच्छा, सिस्टम में जो है उर्दू साफ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो ये परेशानी थोड़ी हुई है। लेकिन क्या उस सिस्टम वाले एग्जामिनर उसको देखे? जी नहीं, वो सभी के साथ हो रहा था। ये पर्सनली मेरे में नहीं था, ये ऊपर से शायद वैसा लोड किया हुआ जो उर्दू में थोड़ा सा देखने में परेशानी सभी के लिए हो रही है। अगर हम थोड़ा डिस्टेंस बना के अगर देखते हैं सिस्टम में, तब थोड़ा सा जाके समझ में आ रहा था। अच्छा अच्छा, जिन प्याजे से कैसा क्वेश्चन था? जिन प्याजे से क्वेश्चन था ठीक था, अच्छा था। अच्छा था, एक आध क्वेश्चन बता सकते हैं? वही उनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में था। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास के बारे में था। वो मिला के था कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा और विकास में, भाषा पहले था तो वो वाइगोत्स्की का था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद और जो EVS से कुछ राज्य से संबंधित? राज्य से संबंधित नेत्र था एक, वो प्रीवियस ईयर से नहीं था, वो अलग से पूछे हुआ था। अच्छा, घुमाया हुआ था क्वेश्चन, घुमाया हुआ था। जी जी। अच्छा, कोई राज्य से जैसे कि मान लिया कि किस सीमावर्ती को कौन सा छूता है, ऐसा क्या था EVS से? वो नहीं था। नहीं था, नहीं था। डिस्टेंस वाला था, चाल दूरी वाला? हाँ, चाल दूरी वाला था। किस तरह का था वो? हार्डली था या ये वाला था? एक ए, मेरा कैसा था? चाल दूरी वाला हार्ड ही हुआ था, क्योंकि जो उसका टाइमिंग निकलता है वो मतलब 40 घंटा 30 मिनट में जो निकल रहा था, तो उसको गुना भाग करने में काफ़ी समय लग गया। अच्छा, फिर भी सिलेबस के अंदर का ही था। क्या आपका टाइम मैनेजमेंट हुआ? जी टाइम मैनेजमेंट हुआ, टाइम के अंदर में सारा काम हो गया, टाइम के लिए कोई इशू नहीं हुआ। ऑनलाइन देने में क्या आपको कठिनाइयाँ नहीं हुई हैं? ऑनलाइन देने में देखिए, यहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ हैं तो कुछ आसान भी है, इसमें कुछ सुविधा भी हुई है। क्योंकि ऑफलाइन में जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते थे तो पैराग्राफ के लिए हमको पेपर पलटना पड़ता था, ये सामने में होता है, तो ये सुविधा भी मिला है। एक गोला घसने में हमको जो टाइम लगता था पहले, और अभी क्लिक करने में इजी हुआ है। तो कुछ इजी है, कुछ हार्ड भी है। जी जी, चलिए बहुत अच्छा, इन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया। और मॉडरेट या इजी पेपर था? मीडियम था सर। मीडियम था, तो चलिए मीडियम पेपर था। और हम आपसे कह सकते हैं कि जाइए, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सीटेट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले हम आपको देंगे। और पूरे बिहार में सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पर हम जाके और पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, हम आपके साथ पूरे एग्ज़ाम तक बने रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट खबर में धन्यवाद।